जीवन में शब्दों का महत्व बहुत होता है। शब्द हमारी रचना बना सकते हैं और शब्द हमारी रचना को बिगाड़ भी सकते हैं। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि शब्द ब्रह्म है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि माँ सरस्वती कब हमारी जुबान पर विराजमान हो। आज हम 11 शब्दों पर चर्चा करते हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही सहज, आसान, लोकप्रिय, व्यवहार कुशलता को और हमें समृद्धि की ओर ले जाएंगे। ये जादुई शब्द अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो स्वयं उसके बेहतर परिणाम हमारे जीवन में प्रकट होने लगेंगे। पहला, धन्यवाद। यह शब्द जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसका प्रयोग करते ही यूनिवर्स आपको संपूर्णता प्रदान करने में अपनी विशेष ऊर्जा को प्रवाहित करने लगता है। जब हम इसका उपयोग अपनी दिनचर्या में लोगों के साथ करते हैं तो यह लोगों को आकर्षित करने में एक बहुत बड़ा योगदान करता है। दूसरा, मुझे आपकी जरूरत है। जब हम अपने किसी से इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह शब्द जिससे आप बोलते हैं वह आपके प्रति पॉजिटिव होकर एक सकारात्मक ऊर्जा को पैदा कर देता है। इसका प्रयोग आप अपने जीवन में करके देखिए, इसके बेहतर परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा, मैं आपका सम्मान करता हूं। और चौथा, मैं आपसे प्यार करता हूं। पांचवा, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती है। छठा, आपका साथ हमेशा हमें प्रेरणा प्रदान करता है। और सातवां शब्द है, हो सकता है कि मैं यहां पर गलत हूं, मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जब हम ऐसा किसी से कहते हैं तो पहली बार हम अंदर से सीखने की, जानने की जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं, अहंकार रहित हो रहे हैं। अपनी गलती को मानने से आप में बदलाव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आठवां, मुझे क्षमा करें। यह शब्द भी आपकी निरहंकार की अवस्था में लेकर जाता है और सीखने की वृत्ति को बढ़ाता है। समाज में आपके संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान करता है, प्रेम को बढ़ाता है। इस शब्द का भी बड़ा चमत्कार है। अगर आपको किसी के घर जाना था लेकिन आप नहीं जा पाए तो आपके ये शब्द जो भावों से होकर गुजर कर निकले तो उस व्यक्ति को इस बात का उतना दुख नहीं रहेगा और वो आपके साथ सभी गिले शिकवे दूर करके प्रेम के प्रवाह में आने की संभावना को बढ़ा देगा। आप ये काम कर सकते हैं, यह शब्द भी बड़ा चमत्कारी है। इसके प्रयोग से दूसरे में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और इसका प्रयोग जब आप अपने घर के बच्चों से, पत्नी से एवं अन्य घर के सदस्यों से बोलते हैं तो उनके अंदर आप एक ऊर्जा का प्रवाह पैदा करते हैं, संचार करते हैं। आप इसे अपने लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने लिए जब प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं भी मोटिवेट हो जाएंगे कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं तुम्हारे पर विश्वास करता हूं। यह शब्द भी आप स्वयं के लिए एवं दूसरों के लिए उपयोग करने से एक नई शक्ति मिलती है। जिस व्यक्ति से आप ये कहते हैं वह भी आपके प्रति काफी सहयोगी हो जाता है। जब आप उसमें विश्वास की अलख जगाते हैं, इस शब्द का प्रयोग आप जब स्वयं के लिए भी उपयोग करते हैं तो आप में भी वही ऊर्जा का जन्म होता है। दूसरों के उत्साह को भी आपके इन शब्दों से बल मिलता है। मुझे तुम पर गर्व है, 11वां शब्द है। जब हम अपने बच्चों से,
पत्नी से, कर्मचारी से और स्वयं से इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे बच्चों में अच्छा सिद्ध करने की प्रेरणा आ जाती है। कर्मचारी में भी अपने कार्य को अच्छी प्रकार करने की प्रवृत्ति का जन्म होता है। इन शब्दों ने कई लोगों को महानता के शिखर तक पहुंचाया है। अगर आप इन शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में रोज की दिनचर्या में करते हैं तो निश्चित ही आपको इसके अनेकों लाभ मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।